हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप जो वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब पे, तो कैसे आप अपलोड करो, कैसे उसमें टैग्स डालो, कैसे उसमें डिस्क्रिप्शन डालो, कैसे उसमें आप टाइटल डालो ताकि आपकी वीडियो वायरल हो या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम व्यूज़ गेन कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे फ्रेंड का चैनल है, इसमें अभी एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और इसमें हम करने वाले हैं वीडियो अपलोड। और मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा बिगिनिंग से एंड तक कि आप किस तरह से आप वीडियो अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लिक करना है अपलोड वीडियो पे और आप सिलेक्ट फाइल कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप लैपटॉप से करते हो, फ़ोन से भी बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेना कि आप टाइटल आपको डालना है। अच्छा, तो आप देख पा रहे होगे कि टाइटल में कैसे डाल रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आप जो करंट टॉपिक है, जिस चैट टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया है, उस टॉपिक से रिलेटेड किसी और का वीडियो आपको खोल लेना है और उसका जो टाइटल है उसको कॉपी करके आपको इस तरह से पेस्ट कर लेना है और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना है आपके वीडियोज़ के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों टाइटल के बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको अपने कौन से प्लेलिस्ट में वीडियो को डालना है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने कोई भी प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, तो अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, कोई भी प्लेलिस्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को टिक कर देना है, चेक कर देना है। उसके बाद आपको शो मोर पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही आप टैग्स डालते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस हम किसी भी हालत में नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा वीडियो जो है वो रैंक नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमें टैग्स डालना है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको टैग्स कैसे डालोगे। आपको दूसरा टैब खोलना है यूट्यूब पे और उस पर आपको अपने वीडियो से रिलेटेड दूसरे वीडियो सर्च करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मैं सर्च लिस्ट में, जैसा कि मेरा टॉपिक है वेज रोल का, तो मैं इससे रिलेटेड टॉपिक को सर्च करूँगा यूट्यूब पे दूसरे टैब पे और वहाँ से मैं टैग्स लूँगा ताकि मेरे जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो और सर्च लिस्ट में आए। तो आप देख पा रहे हो कि मैं YouTube पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू मेक वेज रोल और मैंने सर्च कर दिया। दोस्तों ये ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा व्यूज़ दिख रहे हैं, जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और आपसे आपकी वीडियो से रिलेटेड वो वीडियो है, तो आपको सिंपली उसे प्ले करना है कुछ इस तरह से। और हमें वीडियो इसकी वीडियो को हमें देखना नहीं है फ्रेंड्स, हमें बस इनके वीडियो लिंक चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो हमें कुछ इस तरह से वीडियो लिंक ले लेना है और इसको हमें यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना है, हमें बस यहाँ पर इसे कॉपी करना है और बस हमारा हो गया काम। फिर हमें एक और नेक्स्ट न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर डालना है टैग्स ऑनलाइन। यहाँ पर हमें इस वेबसाइट से हम इससे जो हमने वीडियो अभी जस्ट वीडियो लिंक को हमने जो कॉपी किया वो यहाँ से उस वीडियो लिंक से हम टैग को निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उसमें से हम देख सकते हैं उसमें उसने कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हैं अपने वीडियो को रैंक करवाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को गेन करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा वो वेबसाइट जहाँ पर आपको वीडियो लिंक को सिंपली जो वीडियो URL है उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा आई एम नॉट अ रोबो पे चेक करना है और उसके बाद फाइंड द टैग्स पे क्लिक कर देना है और आपको वो वीडियो लिंक से, वीडियो URL से आपको टैग्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये वीडियो URL से टैग्स जनरेट हो गया है और यहाँ से आपको ये कॉपी द टैग्स फॉर यूट्यूब कर लेना है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे टैग्स कॉपी हो जाएंगे। फिर आपको अपने टैब में जाना है और इन सभी टैग्स को पेस्ट कर देना है। आप देख रहे हो कि ये सारे जो है प्रॉपर आपको ये टैग्स जो है 500 वर्ड्स के अंदर अंदर 500 अल्फ़ाबेट्स के अंदर अंदर लिखने होते हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने प्रॉपर फिल कर दिया। यहाँ से आपको फिर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना, अगर आपने कुछ इसमें बोला है, जो इस भी लैंग्वेज में आपने बोला है तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और अदरवाइज आपको रहने देना है। ये कैप्शन है दोस्तों, जब आप बोलोगे कुछ तो वो आपके स्क्रीन पर रिटर्न में भी फ्लैश होगा, तो अगर आप है बोले हो कुछ और चाहते हो कि वो दिखे तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से डेट डाल सकते हो और वीडियो लोकेशन भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज इसे रहने दो, कोई नेसेसरी नहीं है ये डालना। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट आता है फिर वीडियो लाइसेंस। यहाँ पर दो तरह के यूट्यूब आपको लाइसेंस देता है, एक है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और एक क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट। दोस्तों अगर आपने क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट किया तो आपकी वीडियो को कोई भी यूज कर सकता है, उस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और अगर आप स्टैंडर्ड करते हो तो वो आपका पर्सनल होगा और कोई भी वीडियो आपकी कॉपी नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के।
तो आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस के साथ ही जाना बेटर रहेगा आपके लिए, तो वही रहने दीजिए। और ये जो वीडियो है ये YouTube ऑटोमेटिकली ले लेता है कि ये कौन सा कैटेगरी का है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पीपल एंड ब्लॉग्स YouTube ने खुद ही पिक कर लिया और ये इस वीडियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कभी कभी हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो हमारा वीडियो है कौन से कैटेगरी का है, और यहाँ से आपको जो कमेंट्स है उसको अलाउ ऑल कमेंट्स कर देना है और टॉप पे कर देना है, यहाँ सेलेक्ट कर देना शॉर्ट बाय। और दोस्तों बस इतना ही, दोस्तों इस पेज में बस आपको इतना ही करना था। और अब जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, तो कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं और फिर हम वीडियो को आगे नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों बेसिक जो सारी डिटेल्स है फिल होने के बाद आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि आपने सारे ऑप्शन सही से फिलअप किया है या नहीं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने सारा डिटेल्स एक बार देख लिए और सारे जो हैं वो मैंने सही सही भरे हैं, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं कर लूँगा यहाँ पर नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट जैसे हम करते तो यहाँ पर हमें ऐड सबटाइटल्स और ऐड एंड स्क्रीन देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों आप जब ये वीडियो एंड होता है तो क्या आएगा वहाँ पर, वो उसके बारे में है। तो फिलहाल इसका बेनिफिट ये है कि जब आपका वीडियो एंड होगा तो एंड होने पर ये आपने जो आपके जो पुराने जो वीडियोज़ है जो सबसे मोस्ट व्यूड है या फिर जो न्यू है वो यहाँ पर फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पर, और जो जो भी आपका जो वीडियो है कंज्यूम कर रहा है, जो देख रहा है व्यूअर, वो इस पर क्लिक करके वो आपका कंटेंट नया देख सकता है अगर उसे इंटरेस्टिंग लगा तो। तो ये बेनिफिट है उसका, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और बाकी जो चीज़ें जो हैं जो कार्ड्स वगैरह है उसको फ़िलहाल हम ऐड नहीं करेंगे, उतना ये बेनिफिशियल नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं एंड स्क्रीन ऐड करने के बाद, और हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद वीडियो जो है ये चेक करेगा यूट्यूब कि आपका वीडियो में कोई कॉपीराइट इश्यूज़ तो नहीं है, आपने कहीं से कुछ कॉपी तो नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि ये कॉपीराइट जो इशू है यहाँ पर कोई सा देखने को नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल सही है, नो इशू फाउंड। और फिर जैसे ही ये यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है YouTube की तरफ से, फिर आप नेक्स्ट करके अपने जो प्रोसेस है वीडियो अपलोडिंग का उसको आप फिनिश कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप लास्ट स्टेप पे पहुँचते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्राइवेट, अनलिस्ट एंड पब्लिक। अगर प्राइवेट पे क्लिक करते हो दोस्तों तो ये वीडियो प्राइवेट रहेगा, आपके अलावा कोई भी नहीं देख सकता। और अगर आप अनलिस्ट पे क्लिक करते हो तो सिर्फ आप देख सकते हो, और या फिर आप जिसको भी ये URL भेजोगे वीडियो का वो आपकी वीडियो देख सकते हैं। एंड पब्लिक में तो सब देख ही सकते हैं, एज यू नो दैट वर्ल्ड वाइड सभी देख सकते हैं, जिसके पास भी आपका ये नोटिफिकेशन जाएगा या जो भी सर्च ये वेब जो YouTube दिखाएगा उसे अपने फीड में, तो वहाँ वो देख सकते हैं। यहाँ से आप रिमाइंडर भी लगा सकते हो कि आप अपने वीडियो को कब ये पब्लिक करना चाहते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर YouTube की तरफ से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो स्मार्ट वे है वो यही है कि आप जब भी अपना वीडियो अपलोड करो तो अनलिस्ट मोड में ही अपलोड करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप कुछ भी बाद में अमेंडमेंट करना हो तो कर सको, क्योंकि एक बार पब्लिक होने के बाद उसे वापस से एडिट करना, अपलोड करना अगर कुछ रह गया तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अनलिस्ट सबसे ठीक है और बेस्ट वे है, सभी यूट्यूबर्स यही करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो कि वीडियो हमारा सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है। यहाँ से आप अपने वीडियो के लिंक को कॉपी कर सकते हो और WhatsApp पे या अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ गेन हो सके। और आप देख सकते हो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, अब हमें इसको देखना है कि हमारा वीडियो है कहाँ पे। तो दोस्तों इसके लिए आपको कंटेंट पे जाना है, और कंटेंट पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा वीडियो यहाँ पर है, और ये अभी तक पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ है, अभी ये प्रोसेसिंग जारी है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ से आप ये वीडियो के बारे में सारे डिटेल्स देख सकते हो, जो भी हमने वहाँ पर अपलोडिंग के टाइम में फिलअप किया था वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, और यहीं से उसको आप पब्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में जो प्रोसेसिंग है वो ख़त्म हो चुका है और वीडियो पूरी तरह से अपलोड हो गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से इसका जो थंबनेल है उसको आपको अपडेट करना है, और उसके बाद ये जो अनलिस्ट है इस पर जा कर के आपको इसे पब्लिक कर देना है। तो थंबनेल को आपको अपडेट करने के लिए इस पर जो ये पेंसिल वाला जो एडिट वाला सिंबल है डिटेल्स वाला, आपको इस पर क्लिक करना है,
और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा आपका ऑप्शन जहाँ से आप थंबनेल चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड थंबनेल। तो वैसे तीन ऑप्शन आपको YouTube देता है वीडियो में से, अगर आप चाहो तो वहाँ से अपलोड कर सकते हो, एल्स आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो जैसा कि आप देखते रहे हो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो YouTube कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो बिना वेरीफाई किए हम नहीं कर सकते, तो ये मैसेज भेजेगा हमारे नंबर पर। तो जल्दी से मैं ये वेरीफाई कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको वेरीफाई करने के बाद अब यहां से आप अपने थंबनेल्स जो आपको अपलोड करना है आप वहां से कर सकते हो। यहां आप देख सकते हो कि मुझे एक्सेस मिल चुका है, तो मैंने पहले से ही इस वीडियो के लिए थंबनेल को क्रिएट कर लिया था और मैंने मेल के थ्रू अपने फ़ोन पे लैपटॉप में भेज दिया है। तो मैं बस डाउनलोड सेक्शन में जा कर के उसे सिलेक्ट कर लूँगा और इस पर इस वीडियो के थंबनेल एज ए थंबनेल उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब ये वीडियो जो है मेरा पूरी तरह से वीडियो रेडी है अपलोड करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, बस इस अनलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और मुझे यहाँ पर पब्लिक कर देना है, और पब्लिक करने के बाद जस्ट सिंपली मुझे करना है सेव। तो सेव करने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपको डन करना होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा ऑप्शन चेंज। तो मैंने कर दिया डन और मैंने कर दिया अब सेव। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा वीडियो अब सेव हो गया। तो दोस्तों यही था प्रोसेस कोई भी वीडियो को अपलोड करने का। अगर आप इस तरह से वीडियो को फॉलो करके अपलोड करते हो और सही से अपलोड करते हो, तो आपकी वीडियो पे कभी भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा और आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगा, व्यूज आएंगे और वायरल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो कि आप कैसे अपने वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों कमेंट करना ना भूले और बताएं जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरह के और भी वीडियो मैं बना करके जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंस्टेंट टैग।